हाँ जी नमस्कार सबको, राधे राधे। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। आज हम कक्षा 10 विषय गणित, इसके अंतर्गत वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल अध्याय 15, जिसमें हम 15.3 प्रश्नावली का 9वां प्रश्न, दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करो जहां एबीसीडी भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए जहां पाई का मान दिया हुआ है 3.14। यानी हमारे पास में ये डिजाइन है, इस डिजाइन में एबीसीडी एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग में ये आपका छायांकित भाग है और ये छायांकित जो भाग है या जो छायांकित डिजाइन है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये देखो अछायांकित क्षेत्र, अछायांकित क्षेत्र 1, 2, 3 और 4, अछायांकित क्षेत्र को हमने नामांकित कर दिया इसे 1, 2, 3, 4 से, ठीक है। पहली शर्त के अनुसार तो ये हो गया। अब हम जैसे अछायांकित क्षेत्र में 1 और 3 का क्षेत्रफल, 1 और 3 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से यानी ए ओ डी और इधर से डी ओ सी के क्षेत्रफल जो अर्धवृत्त है, इस क्षेत्रफल को हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से बाकी निकाल देते हैं या बाहर निकाल देते हैं तो हमारे पास में क्या जाएगा, आकृति 1 और 3 का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी तरह से आकृति 2 और 4 का क्षेत्रफल भी, तो जो क्षेत्रफल 1 और 3 के आने आया जैसे तो वो का वो क्या होगा 2 और 4 का। अब कैसे देखो, सबसे पहले 1 का क्षेत्रफल + 3 का क्षेत्र, अछायांकित भाग अछायांकित क्षेत्र 1 और 3 का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो एक आकृति जो अछायांकित भाग है 1 का क्षेत्रफल + 3 का क्षेत्रफल, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से -2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बाहर निकाल देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर -2 अर्धवृत्त। अब 2 अर्धवृत्त का मतलब देखो आप, ये ए ओ डी एक अर्धवृत्त तो ये हो गया और दूसरा डी ओ सी दूसरा अर्धवृत्त आपके पास में ये हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को बाहर कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आपके वर्ग की 10, 10 का वर्ग करेंगे 10 को 10 से गुणा किया 100 आया, ठीक है। अब इसी तरह से हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त कौन कौन से, एक तो एओबी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल प्लस बीओसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2 अर्धवृत्त है, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त है इसलिए पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2 और इसका भी प्लस पाई आर स्क्वायर बटे हुए 2। अब पाई की जगह हमारे को मान ध्यान में, पाई का मान दिया हुआ 3.14 × r त्रिज्या। अब आप अर्धवृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो इसमें एडी, एडी क्या हो गया, इसका व्यास है तो इसकी आधी आधी त्रिज्या हो जाएगी। व्यास कितना आपके पास में 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी आपके पास में 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसी प्रकार से इधर की तरफ भी देखिए, ये भी एक अर्धवृत्त है लेकिन ये इसके अंदर बीसी व्यास है तो व्यास की आधी त्रिज्या, तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पाई की जगह पाई का मान 3.14 × r की जगह त्रिज्या हो गई आपकी कितनी 5 स्क्वायर, इसे 5 × 5 बटे हुए 2 प्लस, इसी तरह से पाई की जगह 3.14 × r की जगह 5 × 5 बटे हुए 2, ठीक है। अब 100 की जगह तो 100 आई है, माइनस की जगह माइनस, ऊपर वाली संख्या 3.14 को 5 × 25 से गुणा करके उसमें 2 का भाग लगाना तो हमारे पास कितना आ गया 39.25 प्लस की जगह प्लस, इसी तरह से 3.14 को 5 × 25 से गुणा किया और उसमें फिर क्या किया 2 का भाग लगा दिया तो यहाँ हमारे पास में आया 39.25। अब 39.25 में 39.25 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या हो गया 21.5, 5-0 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी 39.25 प्लस 39.25 को जोड़ने पर हमारे पास में कितना गया 78.5 आ गया। अब 78.5 को हम क्या करेंगे 100 से बाकी निकाल देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे 78.5 की बाकी निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आपके पास में एच अंकित वर्ग एक प्लस तीन का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या कर रहे हैं, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को माइनस करना है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास में 100 आ गया और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो आपके पास में कितना आ गया, 78.5 आ गया। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 78.5 को घटाएंगे तो 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी हमारे पास में एच अंकित क्षेत्र का एक और तीन इन दोनों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 21.5 हो गया। इसी प्रकार एच अंकित क्षेत्र दो का क्षेत्रफल प्लस चार का क्षेत्रफल, इन दोनों का योग भी अपने पास में कितना है, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हमारे को निकालना नहीं है, अपने को इसी प्रकार जोड़ करके दो एच अंकित क्षेत्र दो का क्षेत्रफल प्लस चार का क्षेत्रफल भी 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, वर्ग का, अब हमारे को छायांकित विजयन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित विजयन का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एच अंकित क्षेत्र एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार का क्षेत्रफल का। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी आती है 10, 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया, 100 आ गया। और माइनस एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार का क्षेत्रफल हमारे पास में देखो, जैसे यहाँ पर एक और तीन का क्षेत्रफल कितना आया, 21.5 आया। इसी तरह से दो और चार का कितना आया, 21.5 आया। तो 21.5 प्लस 21.5, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 43 हो गया। तो 100 में से हम क्या करेंगे, 43 की बाकी निकाल देंगे तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, हमारे को सबसे पहले क्या करना है, इस आकृति को समझना है। आकृति में एच छायांकित क्षेत्र आ रहा है हमारे पास में, इनको हमने नंबर डाल दिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब इसमें हम सबसे पहले एच छायांकित क्षेत्र एक और एच छायांकित क्षेत्र तीन, एक और तीन का हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्षेत्रफल। तो इसके लिए हमने क्या किया, वर्ग का क्षेत्रफल, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से हम माइनस करेंगे किसको, दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल को। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने पर हमारे पास कितना आ गया, 100 आ गया। और दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाला तो हमारे पास में कितना आ गया, 78.5 आया। अब 100 में से हम क्या करेंगे, 78.5 की बाकी निकालेंगे तो 21.5 आ जाएगा, 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया एक प्लस तीन का क्षेत्रफल। इसी तरह से हम क्या करेंगे, दो प्लस चार का क्षेत्रफल, तो हमारे को इतना करना नहीं है, हमारे पास में क्या वापस 21.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हमारे को क्या करना है, दो प्लस चार का क्षेत्रफल करना है। अब हमारे को छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसलिए क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से माइनस करेंगे किसको, इन चारों एच छायांकित क्षेत्र जो क्षेत्र का जो क्षेत्रफल हमारे पास में है इसको माइनस कर देना है। तो भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल है, भुजा कितनी दे रही थी 10, 10 का वर्ग किया 100 और इधर इन दोनों की योग कितनी है, 43, 100 में से 43 की बाकी निकाली तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से हमने 15.3 का प्रश्न संख्या 9 था जिसमें हमारे को छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल पूछा था, तो इस तरह से हमको हल करना था, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल में से हमने क्या किया, एच छायांकित क्षेत्र एक प्लस एच छायांकित क्षेत्र तीन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल में से हम इन दोनों को क्या करेंगे, यानी वर्ग का क्षेत्रफल में से हम क्या कर रहे हैं, माइनस दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या आएगा, एक प्लस तीन का क्षेत्रफल आएगा। इसी तरह से दो प्लस चार का क्षेत्रफल, तो जो आंसर हमारे पास में यहाँ आ गया वही आंसर हमारा यहाँ है, ठीक है। अब आपको एच डब्ल्यू की कॉपी में भी क्या करना है, इसी प्रश्न का दोहरान करना है। पहले वीडियो को अच्छी तरीके से देखना है, वीडियो अच्छी तरीके से देखने के बाद में आपको क्या करना है, इस प्रश्न का दोहरान करना है एच डब्ल्यू की कॉपी में, ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।